बीकानेर का एक ऐसा गांव जहां हर बार पीटीआई में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील के बैनीसर गांव की, जहां हर बार पीटीआई की परीक्षा में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। यहां पीटीआई की परीक्षा में इस बार 8 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब तक इस गांव से 17 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से 11 महिलाएं हैं। यह गांव बीकानेर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। हर बार पीटीआई की परीक्षा में बच्चे सेलेक्ट होने से पूरे गांव में जश्न का माहौल है और पूरे गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। 31 मई 2023 को जो पीटीआई का अंतिम परिणाम आया है उसमें मेरा चयन हुआ है, और इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे आदर्शजन, मेरे गुरुजन और मैं मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके पीछे जो मेरी मेहनत रही है वो सेल्फ स्टडी की मेरी सबसे अच्छी तरीके से मैंने उसमें तैयारी की थी। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, ना ही कोई मैं और कोई सोर्स था मेरे पास पढ़ाई का। मैंने सेल्फ स्टडी वो भी घर पर बैठ के की है, तो फाइनली मेरा इसमें चयन हुआ है। अभी जो फिलहाल पीटीआई का रिजल्ट है उसमें हमारे ग्राम पंचायत बेनीसर की 6 युवतियों और 2 युवकों का चयन हुआ। उसके लिए मैं उन युवक और युवतियों को बधाई देना चाहती हूँ। हमारे ग्राम पंचायत बेनीसर के युवक और युवतियाँ जितने ज़्यादा खेल में अग्रणी उतने ही ज़्यादा वो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी अग्रणी है। हमारे ग्राम पंचायत बेनीसर के लिए गर्व की बात तो यह है कि ग्राम पंचायत बेनीसर के एक ही परिवार से 2 बेटियों और 1 बहू का चयन हुआ है, उस परिवार के लिए भी बहुत गर्व की बात है और हमारे गाँव के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत बेनीसर के युवक और युवतियाँ इसी तरह आगे बढ़ते रहे।